बादशाह बेकरी सिरुगुप्पा कर्नाटक। इससे पहले जो हमने जो है फर्स्ट वीडियो इसका बनाया था, ये डीजल पे ओवन था, इसको जो हम लोगों ने जो है लकड़े पे कन्वर्ट किया, रैकोन की टीम ने। अब आइए आप आपको पूरा सिस्टम दिखाते हैं। जो पहले ये डीजल पे चल रहा था, अब ये जो उड़न पे है, तो इसका हम लोगों ने कैसे कन्वर्ट किया, इसका क्या सिस्टम है, तो आइए आपको ले चलते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये जो है बंद इनका रेडी हो रहा है। ये इन्होंने जो एक स्टीम रूम बनाया हुआ है, बिल्कुल खुद से बनाया हुआ है। इन्होंने जो इसमें जो एक हीटर लगा के जो है पानी को स्टीम बनाने का सिस्टम किया, मैन्युअली है ये, सर काफ़ी सक्सेसफुल है। वन टाइम में जो है इनकी 10 ट्रॉली इस केबिन के अंदर चली जाती है और इनको काफ़ी आसानी हो जाती है। ठंडी के मौसम में जो होता है, ज़्यादा इनको वेट नहीं करना पड़ता है। देखिए ओवन चालू है, इसमें बेकिंग हो रही है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए ओवन, रैकोन ओवन्स मुंबई। ये ओल्ड मीटर है, ये इनो जो है टेम्परेचर कंट्रोलर है ये, और ये इनका टाइमर है। यूनिफॉर्म कलर है एकदम। ये जो सिस्टम है ये वुड फायर का सिस्टम है ये, और इन्होंने ये चिमनी इसको लगा रखी है, जो जो लकड़ी जलाने के बाद में जो उसमें स्मोक होता है वो इस तरीके से बाहर निकल जाता है यहाँ से। ये देखिए ये जो रेडी होके माल ये बाहर आ चुका है। हाँ देखिए, ये देखो ये जो ट्रे है, जो माल इसका बाहर आया हुआ है, ये एकदम यूनिफॉर्म कलर है सर, ये एकदम बिल्कुल सारी ट्रे में एक जैसा ही कलर है। टॉप टू बॉटम एक जैसा कलर है ये। अब यहाँ के जो ऑनर है मिस्टर बादशाह भाई, इनसे हम से पूछेंगे मशीन के बारे में और इनका इंटरव्यू लेंगे कि इन्होंने जो डीजल से पहले जो ओवन का जो प्लान था लकड़े का, अब इन्होंने कर लिया उसे। अब आइए इनसे पूछते हैं। हाँ ये है बादशाह भाई। सर बताइए आप ज़रा ओवन के बारे में, आप जो ये ओवन कहाँ से लिए थे, मुंबई स्टार्ट में कहाँ से, डिटेल बताइए पहले। आप ये बेकरी कहाँ पर है, आप पूरा एड्रेस बताइए अपना। हमारे दोस्त बोला था जब लेने के लिए। हाँ सर बताइए, सर एड्रेस बताइए पूरा अपना। बल्लारी डिस्ट्रिक्ट सिरगुप्पा तालुक है ये, कर्नाटक। अच्छा, जब हम मशीन मुंबई से लिया था। अच्छा सर, तो सर ये आपने जो डीजल ओवन लिया चलाया, आप कितने साल चलाया आपने सर? दो साल चलाया। दो साल चलाए, तो दो साल आपने जो चलाया है मशीन ये, तो आपको क्या परेशानी आती थी, डीजल कितना जाता था और मेंटेनेंस सर्विस कैसी थी उसमें निकलती? मेंटेनेंस तो बहुत क्या नहीं, अच्छा था, क्या बोलते डीजल बहुत ज़्यादा जा रहा था। तो पर डे आपका कितना डीजल जाता था सर? 1500 तो डेली जा रहा है। 1500 कितना माल निकलता था सर आपका? मेरा तो 150 kg माल निकलता था। 150 kg में 1500 रुपये आपका डीजल जाता था, है ना? 1500-1200 कभी कभी। तो सर आप जो आपका प्लान कैसा हुआ कि ये उड़न फायर कर लेने के लिए? कौन सा? लकड़ी का। हाँ लकड़ी का, लकड़ी जो कम जलता बोल के लकड़ी का बनाने के लिए। अब तो सर आपने पहले आपने सुना था,
आपने देखा नहीं था ना, नहीं लेकिन आपने सुना भी था, हमारा दोस्त बोला था। अच्छा, दोस्त बोला था आपका। हाँ। तो आपने भी ले भी लिया, आपने भी चलाया, आज पहला दिन आपका सर, आपको कैसा लगा इसका? अच्छा लगा। अच्छा लगा, तो आपके हिसाब से कितनी लकड़ी लगना चाहिए इसके अंदर? आपने अभी फर्स्ट टाइम लेके आया है, कितने की लकड़ी लाए थे आपने? मैं जब 1000 रुपए की लकड़ी लेके, कितना लिखा दिखाओ जरा लकड़ी से। 1000 रुपए का। देखो ये इन्होंने जो है ये सर 1000 रुपए की लकड़ी लाया है और इनका भी माल स्टार्ट है, या इसके पहला दिन था। हाँ, तो सर आपने जो लिया है रेकॉन मुंबई से है ना? हाँ, उसके बारे में बताइए सर। मुंबई अच्छा, जो कि आपके लोकल एरिया में कैसा, बहुत से आसपास में ओवन वाले हैं, है। आपने मुंबई से क्यों लिया सर? अच्छा, ये आप डिटेल बताइए। अच्छा है, बोल के लिया। तो आपको किसने, कंपनी अच्छा है, कंपनी अच्छा है, आपने देखा भी है, चलाया भी है, तो ओवन कैसा लगा? आप लकड़ी पे चलने के बाद में वो कैसा काम करने, मजा आ रहा है, कैसा क्या अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, थैंक यू सर। ये जो थे मिस्टर बादशाह भाई थे, जो यहाँ के ओनर हैं और ये बेकरी यही चलाते हैं, छोटा सा सेटअप है इनका, इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है इसे। सर जरा माल दिखाएंगे आप, पूरा सिस्टम समझाइए ना आप पूरा। हाँ, अच्छा, तो लगाना पड़ता। कैसे लगाते लकड़ी है, कितनी कितनी लकड़ी डालना पड़ता सर? एक दो तीन लकड़ी डाला तो बस। अच्छा, दो लकड़ी में काम हो जाता सर? हाँ, दो लकड़ी में काम हो जाता, जब पहले स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा डाला। अच्छा, स्टार्ट में ज्यादा डालना, लेजर चढ़ने के बाद एक दो डाले तो बस। अच्छा, जो आप बादशाह भाई, ये जो आपका जो बन है, ये कितने मिनट में बैकिंग होके निकलता बाहर? 10 मिनट में निकलता। 10 मिनट में बाहर आ जाता है? बाहर आ जाता, अभी लकड़ी का नया आने से 9 मिनट में निकल गया। अच्छा, 9 मिनट में ही निकल जा रहा माल है। अच्छा, ओके, तो अभी आपको अच्छा लगा सर ये? अच्छा लगा। तो जो हमारे जो ऑल इंडिया जो हमारे जो बेकरी वाले हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या नहीं, लकड़ी का बना लो बोलना। और बॉम्बे वाले के रेकॉन ओवन कंपनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मशीन जो, अगर कोई मशीन जो परचेज करना चाहता, खरीदना चाहता है, तो आप उसको किसको रेफर करेंगे सर? आराम से खरीद सकते हो बॉम्बे से खरीद सकते हैं सर? खरीद सकते हैं। अच्छा सर, आप एक बताइए, आपका फ़ोन नंबर बताइए सर, जो हमारे जो कस्टमर है कभी कांटेक्ट करना चाहें, जो हमारे कर्नाटक के आसपास के जो हैं, तो आप पूरा बेकरी और अपना एक फ़ोन नंबर बता दीजिए, क्योंकि तो हमारा कांटेक्ट, अगर कोई कस्टमर कांटेक्ट करना चाहे तो आपसे भी कर सकता है, बताइए सर। ये बल्लारी डिस्ट्रिक्ट सिरगुप्पा तालुक है। अच्छा, मेरा फ़ोन नंबर आके 9113678207। ओके, थैंक यू सर, आपको, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने पूरा डिटेल दिया आपको, थैंक यू। ओके।